अब नहीं खाना है, ये हलवा हमारा हो गया है रेडी, अब मैं पंखा चला के इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और हिंजा को लग रही है बस अब खाना है। सभी लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। जी बिल्कुल अच्छे से होंगे। और आज निकली हुई है बड़ी ही अच्छी धूप, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑयलिंग कर लूँ छत पे जाके। चलो हिंजा तुम चल रही हो? हम जा रहे हैं छत पे करेंगे ऑयलिंग। तो चलो भाई चलते हैं ऊपर, तुम्हें आना है? जल्दी आओ। अरे यार अब ये इतनी देर लगा देगी छत पे जाने में। जाओ चप्पल पहन कर आओ। तो आज है शबे बारात, आप सबको शबे बारात मुबारक हो। हम करते हैं ऑयलिंग, उसके बाद हम शूज ले आई और बनाएंगे चने की दाल का हलवा। कहाँ नाश्ता करके आ रही हूँ? अच्छा जाओ फिर, तो मैना के साथ आना सही है। गए हैं छत पे, हाय हवा में ठंडा क्या। और यहाँ ठंड इसलिए भी है मौजूद क्योंकि सब जगह हो रही है भाई बारिशें। मैं थोड़ी सी इधर आ जाऊँ, मुझे दिख ही नहीं रहा यार धूप में। सब जगह नारायण का गान, मालम जब्बा, इधर उधर बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इसी वजह से जो है यहाँ अभी तक ठंडक है। तो चैलेंज करते हैं ऑयलिंग धूप में बैठ के। थोड़ा ये मेरा जैतून का तेल है और इसमें लौंगे डाली हुई हैं। पिछली शबरात पर भी मैं यहीं पर ही थी, शबरात मैंने यहीं की थी, रमज़ान मैंने यहीं किया था, ईद मैंने यहीं की थी। तो शबरात में जिस तरह कराची में होता है रात में, जबकि मेरी बैक साइड पे कब्रिस्तान था, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें देखा होगा मेरा पिछला वाला घर जहाँ पर कब्रिस्तान था। तो दिन में तो बहुत ज़्यादा रौनक थी, शबरात वाले दिन भी रौनक थी, लेकिन जैसे कराची में होता है कि रात में लोग कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं, तो वो कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं था। और दूसरा बम पटाखे यहाँ फट रहे हैं, जो चीज़ें नहीं है सही वो ज़रूर हो रही है, यहाँ पे बम पटाखे फट रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस एरिए में। बाकी मैं उधर जहाँ थी तो वो गली बंद थी, तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं लगता था, लोगों की आमदरफ़्त नहीं थी। और बाल मेरे इतने ज़्यादा झड़ रहे ना, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो के बाल जो हैं वो। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं बच्चों को देना है मुझे खाना, रोटी बना के और काली वाली दाल और सब्ज़ी बनी हुई है, तो मैं उन लोगों को रोटी बना के देती हूँ खाना। फिर चढ़ाते हैं हम अपनी दाल, ओह हाँ चने की दाल, क्योंकि हम बनाएंगे आज चने की दाल का हलवा। तो चलो चलते हैं नीचे, नीचे चलते हैं बस अब। और हिंजा मैडम भी ऊपर आ गई हैं। पानी रख दे, मैंने आधा उठा के चूल्हे तक तो रख दिया, मेरे गर्दन में इतना तेज वाला। किसने बोला था तुमसे? बाल नहीं बने हैं हुशन के, अरे मेरे बाल हो क्या रहे। तो चलो भैया चलते हैं नीचे, गिर गई है।
तो इसलिए अब नीचे चलते हैं। चप्पलें तो पहनो। और मगरिब हो चुकी है और 6 बजे यहाँ मगरिब हो जाती है। कराची की तरह नहीं कि कराची से थोड़ा आधा पौन घंटे का टाइम है यहाँ पर। तो मगरिब होते ही लाइट जा चुकी है और नीचे हो चुका है एकदम अंधेरा। तो मगरिब के बाद के 6 नफिल और मगरिब पढ़ने के लिए मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि अभी छत पे रोशनी है तो हम यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हिंजा और जुनैशा भी पीछे पीछे आ रही हैं मेरी। आ गई भाई, आ गई, आ गई, फौरन आई, फौरन। तो चलें, पहले हम नमाज पढ़ते हैं, फिर मगरिब के नफिल पढ़ते हैं, फिर नीचे जाएंगे जब तक के हो जाएगा अंधेरा भी यहाँ पे। और ये अपना स्लाइम विलाइम का सब टोकरा उठा के ऊपर आ गएंगे। और अभी भी भाई पतंगे उड़ी रही हैं इनकी। मगरिब हो गई है, शबरात है, कुछ है, पतंगे उड़ानी है, ये भी गिर रहा है। तो चलें भाई, अब मैं कैमरा रखती हूँ, मेरा मास्क भी उतर रहा है। चल, आस पढ़ते पढ़ते नफिल पढ़ते पढ़ते इतना अंधेरा छत पे हो गया था। वो तो ये कि यासीन शरीफ याद है अच्छी खासी, तो ये परेशानी नहीं। और नीचे लाइट आ गई थी लेकिन भाई छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे आ गई है लाइट और यहाँ हो चुका है बिल्कुल अंधेरा। आज मेरी एक छोटी सी सिल जो है ना वो काम में आएगी, है ना हिंजा। आज हम इस सिल पे पीसेंगे अपनी चने की दाल। ये मैंने सिर्फ 1/2 किलो चने की दाल ली है, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि कराची में थे तो भाई बड़े बड़े थाल भर भर के हलवे बनते थे, सब वहीं पे सबको भिजवाना करना। अब यहाँ कौन है क्यों भाई? और ये हिंजा चैनल को सब्सक्राइब, अरे। और हिंजा ने ये वाले कपड़े पहने हैं, अम्मी आएंगी तब लेकर आई थी इसके लिए, जब लेकर आई थी, जब से ये रखा हुआ ही था आज इसने पहना है। और इस पे बने हुए हैं एप्पल, है ना हिंजा। और हिंजा को बस लगी हुई है मम्मा हलवा बना लें। हट जा भाई जुनैशा, नहीं घुसे यहाँ से, हट जाओ तुम लोग, जल्दी हट जाओ, जल्दी 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 मुझे करने दो बस। अब मैं इसको पीसती हूँ, इस छोटी सी पिल बोल रही हूँ, तोपा छोटी सी सिल पे। पे मेरी दाल पीस चुकी है और मैंने इसको बिल्कुल फाइन पीसा है, कोई दाने इसके अंदर नहीं है। और सेटअप मैंने अपना यही लगा लिया। मैं सोच रही हूँ रमज़ान में जो मैं भाई पकौड़े वगैरह कर लूँगी ना, वो भी मैं यहीं कर लूँगी अपना सुकून। अब इसमें जाएगा 1 प्याली घी, जो मैं 1/2 डालूंगी पहले, थोड़ा रोक लूंगी और फिर डालूंगी। और इसमें फिर जाएगी इलायची जो कि मैं अभी मुंह से फोड़ूंगी अपने और इसमें डालूंगी। कुछ तो इसमें जाता है नहीं वैसे, है ये पानी की छोटे क्यों लगे, वो तेरी खैर। अब इसमें जाएगी ये दाल, सारा जो इसका मंजन होता है ना वो होता है इसकी भुनाई, सबसे मेन चीज। सारी दाल इसमें डाल दी है, अब इसको करेंगे मिक्स।
और उसको अभी हम ऐसे ही भूनेंगे। चीनी अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। स्लो करूंगी मैं इसकी, बहुत ज़्यादा ही हो रही है अभी, बस इसको अभी लगातार हम भूनते रहेंगे और नीचे से छोटा मुन्ना आया हुआ है तो ये सबकी सब तीनों जो है ना वो उसके साथ लगी है। खाना मेरा बन चुका है, चिकन का सालन आज मैंने बनाया है शोरबे वाला, और अब मैं बना रही हूँ हलवा, फिर खाएंगे खाना और फिर उसके बाद खाएंगे इबादत। इससे नीचे लगने नहीं देना है हमने, जो बचा हुआ घी था वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगी चीनी। और ये आधा किलो दाल है तो मैं इसमें 1.5 पाव चीनी डालूंगी। वैसे ज़्यादातर बराबर से ही डालते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है मुझे। और इसके अंदर मैं पाउडर मिल्क भी ऐड करूंगी तो इस वजह से वो बराबर हो जाएगा, एकदम कंच वाला मीठा अच्छा देंगे। किसी किसी को पसंद है तो वो बराबर से ही डाले, बाकी मैं इसमें 1.5 पाव चीनी ऐड करूंगी। और स्टीम आ रही है, अभी मैं थोड़ी डाल रही हूँ, पहले इसको थोड़ी मिक्स करेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगी इसके साथ फिर थोड़ी ऐड करेंगे और भूनते जाएंगे। और इसका कलर देखें चेंज होना शुरू हो चुका। अब ये थोड़ा सा पतला हुआ क्योंकि मैंने इसमें ऐड करी है चीनी, अब ये पक पक के वापस गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा भी पसंद है, कट 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 जो होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या इतने, वरना मैं वहाँ पे बेसन का हलवा जमाने वाला अलग बनाती थी, ये दाल का अलग, सूजी का कतली वाला अलग, लेकिन अब यहाँ हम किसी को इतना जानते हैं ना कुछ है, कहाँ भेजेंगे क्या करेंगे, कोई खाए ना खाए ये भी नहीं पता होता किसी को खाती। अब वहाँ तो कराची में सबका पता था कि कौन खाएगा, कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना, बस इसीलिए नीचे से हमारे ज़्यादा है बस नीचे, और हंजला के एक दोस्त के यहाँ भेज देंगे हम, बाकी इसको अभी भूनते ही जाना है। मैं ऐड करूँगी ये ड्राई मिल्क पाउडर 3 से 4 चमचे खाने वाले, ये जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके डालने से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसका कलर देखने से कितनी हद तक चेंज हो चुका है। और चीनी भी बस ये थोड़ी रह गई है, बाकी मैंने इसमें सब ऐड कर दिए। मैं लास्ट में इसको ज़रा सा चखूंगी और फिर इसको डालूंगी, ये ज़रूरत लगी टेस्ट के मुताबिक मेरे तो डालूंगी। और इशल अंधेरा छोड़ो, हलवे का कलर ही कुछ अजीब आ रहा है, इशल यहाँ तो ये काट रही है बादाम और खोपरा। और ये तकरीबन हमारा हलवा हो चुका है रेडी, इससे ज़्यादा मैं कलर नहीं लूँगी इसका,
बस इस पर मैंने ये सेनी ले ली है, इस सेनी को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है हाथों से फैला के। अब मैं ये हलवा निकालूंगी और इसमें जमाने के लिए लगा दूंगी। थोड़ा सा और करें क्या अपनी आदत के मुताबिक। पापा की आ रही है पर अब हम वीडियो बना रहे हैं तो रिसीव नहीं कर सकते हैं। चलो भाई अभी ये हो गया है हमारे परिवार की कॉल आ रही है। अब मैं इसको निकालती हूँ और इसमें फिर जमा के आप लोगों को दिखाती हूँ। अब नहीं खाना है, ये हलवा हमारा हो गया है रेडी। अब मैं पंखा चला के इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और हिंजा को लग रही है बस अब खाना है इसको। ये भी बहुत गर्म है बेटा, ठंडा करके। हाँ मैं पंखा चला रही हूँ, उसके बाद ठंडा करके खाएंगे इसको। ठंडा करने लगते हैं हम, बनाते हैं रोटियाँ। ठीक है, नहीं खाऊंगी। चलो पंखा चलाओ जुनाशा। हिंजा उंगलियां मार मार के ना खाने के चक्कर में बस हट जाओ। हिंजा मुन्ने गरम हो रहा है, चलो उठ जाओ। मैंने इसमें डाला है देसी घी, इन लोगों को बताया नहीं है वरना अगर सुन लेंगी तो फिर कभी भी इसको हलवे को हाथ नहीं लगाएंगी। वीडियो देखेंगी तो पता लगेगा। चलो भाई अब बनाते हैं रोटी। सोए तो इस वजह से लेट ही उठे सब। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में वही पराठे या रोटी घी लगी हुई, यही होता है ज़्यादातर। ईशल बिस्किट खाती है, कभी मूड होता है तो खा लेती है, वरना तो फिर उसे बिस्किट ही चाहिए होता है। तो पहले करते हैं नाश्ता, फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है आज। वैसे मैं सोच रही हूँ आज मैं अपनी सिलाई मशीन की सर्विस करूँगी, क्योंकि आ रहा है आगे रमज़ान और मुझे कपड़े वगैरह स्टिच करने होंगे हिंजा के ख़ास तौर से। तो चले बनाती हूँ मैं पराठे या रोटी। और मैं सिलाई मशीन की हालत आप अंदर की देख चुके हैं, इसका जो वो हेड होता है क्या बोलते हैं वो निकाला है, तो अंदर से इसकी हाल ज़रा ये निकली है। और ये है इसका ऑयल जो मैं इसको पहले पूरा साफ़ करूँगी और फिर डालूँगी, और ये वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी, इसलिए इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और क्या कर लेना हैं, ये क्या होता है। तो मैं अब इसको साफ करती हूँ, लाइट देखें जा तो रही है लेकिन आ जाती है जल्दी, तो मैं पहले इसको चमका लूँगी फिर उसके बाद इसमें मैं ऑयल डाल के और फिर इसको कवर कर दूँगी। फिर कल हम इस पर कुछ सीएंगे क्योंकि आज तो ऑयली ऑयल हो जाएगा। तो चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।